62 लोकसभा क्षेत्र में जो संत कबीर नगर में जो सुबह से ही मतदान बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसमें 12 बजे तक का जो है मतदान प्रतिशत अभी तक जो है 27% तक रहा है। तेज धूप के कारण लेकिन मतदाता उत्साहित होकर जो अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए और लोकतंत्र के पर्व को बखूबी जो है इंजॉय कर रहे हैं और उस पर जो मोहर लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ युवा वर्ग हमारे साथ है कि इस बार जो वोट पड़ रहे हैं वो किसको लेकर और किस मामले को ध्यान में रखकर वोट पड़ रहा है। क्या नाम है बाबू? गुप्ता जी, अब आज मतदान है, मतदान जो है आज किस मामले को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये है महंगाई और विकास पे जो है उसी पे वोट दिया जा रहा है। और महंगाई तो मेन मुद्दा है सारे, क्योंकि महंगाई चरम पे है, उसी के नाम पे हम लोग विरोध में वोट डाल रहे हैं। विरोध में वोट पड़ रहा है जैसे कि महंगाई, अब तो सरकार तो कहती है हमने विरोध हमने जो है बहुत ज्यादा महंगाई खत्म की है और हमारे वहाँ जो है किसी प्रकार का कोई जो है मुद्दा नहीं ऐसा है और विरोधी जा रहे हैं, ऐसा क्या ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई कम नहीं है, महंगाई को दाल देख रहे हैं 170 रुपये पहुँच गया है, तेल 150 के आसपास पहुँच गया है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई ज्यादा हुई है, सरकार से कहने से कुछ नहीं होगा। क्या मन परिवर्तन का बना लिया एकदम? बिल्कुल बिल्कुल मन परिवर्तन का बना लिया लोगों ने, महंगाई का मुद्दा सबसे मेन है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जरा बाहर आ जाइएगा, कि क्या अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट हो रहा है? हमें स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा के लिए वोट किया जा रहा है। आप भी जानते हो कि इस वक्त हमारे देश में जो हालात हैं और नंबर एक पे जो किया गया है मुस्लिम समाज को, यहाँ नंबर दो की नागरिक बना के रखे हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतें हुई, आपको मालूम है CINCA लोगों ने लागू किया, बीजेपी वालों ने। इनका मुद्दा केवल यह है हिंदू बनाम मुस्लिम, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा रखती है, ना उसे विकास से कोई मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, वो धर्म के नाम पे चलते हैं। जबकि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, भाजपा इस पे नहीं रहती है, वो रहती है केवल धर्म हमारा खतरे में पड़ जाएगा। अरे आज के पहले 800 साल राज मुसलमानों ने किया, कौन सा धर्म खतरे में पड़ गया बताइए? हिंदू कब खतरे में पड़ गया? ये केवल एक इनका जुमलेबाजी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए। तो क्या सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा जो है क्या भाजपा में नहीं थी? आप बताइए ना कहाँ थी, आप बताइए, आप तो खुद हमारे देश के चौथे स्तंभ हो, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? नहीं, उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज हमारा कम था, बहुत सारा हमने मेडिकल कॉलेज दिया और जो है जहाँ तक होता है कि 5 लाख का जो उन्होंने दिया इलाज कराने के लिए गारंटी वाला कार्ड दे दिया, तो फिर अरे मेरे भाई आप मेरे जिले में बताइए एक मेडिकल कॉलेज, बताइए अपने जिले में ही बताइए, आप एक मेडिकल कॉलेज बताइए ना। उन्होंने कहा हर जिले में, इस जिले में केवल एक जिला अस्पताल बनाया गया, वो भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, जो 1998 में जब जिला बना तो अस्पताल बना, जिला जेल बना, बाकी सारे विकास भवन बना, सारे विकास कार्य अगर किसी ने किया 2007 से 2012 में तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। क्या लग रहा है कि अब की बार परिवर्तन 101% होना है और दुनिया का प्रावधान भी है, परिवर्तन एक नियम है। देखिए इन्होंने सीधा साफ कह दिया कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अब की बार जो है लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। क्यों परिवर्तन का मन बना चुके हैं, हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? असलम अंसारी, सभासद। ये बताइए सभासद जी, आज चुनाव है, लोग परिवर्तन परिवर्तन कर, आप क्या कह रहे हैं इस बार? बिल्कुल परिवर्तन तो होना ही चाहिए। क्यों परिवर्तन, आखिर क्यों? आखिर विकास कहाँ हो रहा है, सड़कें खराब पड़ी हैं, यहाँ पे मतलब तमाम ऐसी परेशानियां आ रही हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का अच्छा वो नहीं है। बताइए आप कहाँ किस इस सरकार से क्या लाभ मिला है? क्या लग रहा है कि अब परिवर्तन होना जरूरी है? परिवर्तन ही लोगों ने मन बना रखा है, अभी तक जो है बहुत सारे लोग जो ये कहते रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार हमें लगता है कि 400 पार कल तक था और अब की बार जो है लोगों ने मन बनाया राप्ती पार का। क्या नाम है आपका सर? अमोतार जी, वोट कर करा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? हमारा सवाल ये नहीं कि किसको वोट दिया आपने, क्या मुद्दा बनाकर वोट दिया आपने, मुद्दा क्या मन में रखा था? सरकार बदलने के इरादे में। अच्छा, सरकार बदलने के इरादे में, इरादे तो बड़े पक्के आपके लग रहे हैं। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, बहुत दिन हो गया है। तो लोगों ने एक नारा दिया था अब की बार राप्ती पार, उस पर आप कहां तक विश्वास रखते हैं? अब देखिए विश्वास क्या है, तो आने वाले समय में बताएगा।
राप्ती पार का मन बन गया उसके लिए। हाँ, देखिए बहुत सारा जो है लोगों ने मन बनाया था कि राप्ती पार का रुपया महिलाओं को देंगे अगर सरकार बदली तो, क्या लगता है आपको मिलेगा? ये भाई उनके ऊपर है, मिलना है तो मिलेगा। अब की सबसे ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं? क्यों नहीं, आपने वोट डाला? हाँ। क्या मन बनाया था वोट किस लिए देना है? किस लिए देना है? यही कि सब सफाई हेन तेन सब महिलाएं और बच्चे जितने पढ़ लिख रहे हैं और सब आगे मुंह बढ़े हैं और क्या, सब शिक्षा मिले बच्चों को, शिक्षा मिले। सबसे ज्यादा मसला जो है रोजगार और शिक्षा को लेकर है। अब की बार जो है लोग परिवर्तन का मन बना चुके। हमारे साथ एक युवा लड़का, ये भी आपकी, आपने वोट दिया है? जी सर। पहली बार की दूसरी बार है? सर दूसरी। दूसरी बार है। अब की आपने वोट दिया और इसके पहले आपने वोट दिया, तो उसमें क्या अंतर लग रहा है कि आपकी किस तरह से? इस बार वोट देने का ये मुद्दा है कि जिस तरह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, जिस तरह पेपर सर लीक हो जा रहा है, इससे युवा वर्ग काफी ज्यादा परेशान है और देश में महंगाई भी निरंतर बढ़ रही है। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई पे कंट्रोल करना, पर देखने में यही लग रहा है कि सरकार इस पे पूर्ण रूप से विफल हो गई है। इसी वजह से हमारा यही इरादा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। इनका तो बहुत सारा हो रहा है कि मैंने रोजगार दिया युवाओं को और इतना ज्यादा कर्ज की व्यवस्था कर दी है कि लोग लोन लेके अपना काम करें। सर देखिए, सरकार की बातें अलग होती है और धरातल पर चीजें अलग होती हैं, और धरातल पर अगर तो देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सर जिस तरह से बच्चे यहाँ से कोटा पटना दिल्ली तैयारी करते हैं, चार साल में एक मौका मिलता है, वैकेंसी आती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, तो इससे बच्चों में काफी निराशा है सर। यानी कि आपकी युवा परिवर्तन के मूड में? पूर्ण रूप से युवा एकदम परिवर्तन के रूप में है सर। सबसे ज्यादा मसला जो है शिक्षा और रोजगार को लेकर है। युवा वर्ग भी सीधा परिवर्तन यहाँ पर रट लगाए हुए है। कुछ ग्रामीण अंचल के लोग हैं यहाँ पर, कहाँ से रहने वाले हैं? इंद्रपाड़े गली मोती नगर। तो आपकी वोट देकर आ रहे हैं? जा रहे हैं देने। अच्छा, देने जा रहे हैं। हाँ। क्या मन में लेकर जा रहे हैं वोट देने की, कैसी सरकार? तो पता नहीं है बटन किस पर दब जाए, किस पर दब जाए इसको पता नहीं है, पता नहीं है। तो बटन देखकर दबाएंगे कि आंख बंद कर? आंख बंद करके दबाएंगे। हमको क्या चाहिए? हाँ। हमको सारी चीज सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। हर चीज को, राशन से लेके हर रोजगार को सस्ता चाहिए, हर माल, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो सस्ता कौन, पहली वाली सरकार देगी जिसे आप चाह रहे हैं? ये हो या दूसरा कोई भी हो। हाँ। बस क्या लगता है पुरानी सरकार इससे सस्ता करेगी? अब देखिए ये करेगी कोई नहीं करेगी, इसको हम नहीं जानते हैं। बाकी हमको हर चीज सस्ता चाहिए, हर चीज सस्ता चाहिए। देखिए इनका तो मन कहाँ वोट देने का ये तो बता नहीं रहे, लेकिन जो है इनको हर चीज सस्ता चाहिए, और सस्ता यानी कि बदलाव ही लोगों ने मन बना रखा है। बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ, वोट देकर आ रहे हैं। इधर आ जाओ, वोट देने देकर आ गए? हाँ, वोट देकर आ गए। क्या मन बना के आए थे? मन बनाया कि हमारी जो है पिछली सरकार अच्छी थी, वही आए, जैसे हम परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, पिछली सरकार आए, परिवर्तन भी चाहते हैं? इस सरकार से परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, इस सरकार से परिवर्तन चाह रहे हैं आप? न शिक्षा है, न रोजगार है, और सब रोजी रोटी सब मरा गई है, सबको कहाँ से कमाएगा, कैसे खाएगा, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई सब परेशानी। देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है अभी गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सारे रोजगार के दावे किए थे और उन्होंने कहा था कि संत कबीर नगर जिले में खजाने का मुंह खोल दिया जाएगा और यहाँ लोगों को हर जगह पर रोजगार मिलेगा। लेकिन वो उन बातों को दरकिनार कर युवा वर्ग है या कोई भी व्यक्ति है, वो सारे लोग जो है सिर्फ परिवर्तन का मूड बनाकर इस बार वोट कर रहे हैं। हो सकता है कि संत कबीर नगर में कुछ और ही देखने को मिले। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से।